एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि दान और मृत्यु में कौन बड़ा है और मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं YouTube चैनल की अद्भुत प्रस्तुति। आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो भाई इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही बेल आइकन होता है उसे भी दबा करके ऑल पर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो अब आइए श्रोताओं, मैं आपकी सेवा में आज एक बहुत ही शानदार और बड़ी ही ज्ञानवर्धक अद्भुत कहानी लेकर के उपस्थित हूं। एक समय की बात है कि एक पर्वत शिखर पर, एक पर्वत का शिखर था और उस पर कुछ पक्षियों की सभा हो रही थी। कुछ पक्षी बैठे हुए थे और उन पक्षियों में धर्म की चर्चा चल रही थी। धर्म चर्चा में एक प्रश्न उपस्थित हुआ सभी पक्षियों के मध्य में, जिसमें हंस और गिद्ध, मोर जैसे विशाल शरीर वाले पक्षी भी विराजमान थे। और उनमें से एक पक्षी ने एक प्रश्न पूछा, जब धर्म चर्चा चल रही थी तब, कि दान में और मृत्यु में कौन बड़ा है, क्या मृत्यु को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। देखिए श्रोताओं, जब यह प्रश्न उस सभा में आया तो सभी पक्षी चुप हो गए, किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। अब सभी पक्षी विचार करने लगे कि यह बड़ा रहस्यमय प्रश्न है, दान बड़ा है या मृत्यु बड़ी है, और मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है, क्या उपाय हैं जिनसे मौत को पीछे हटाया जा सकता है। श्रोताओं, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ उधर से जा रहे थे, तो गरुड़ ने देखा कि यहां बहुत संख्या में पक्षियों की एक बड़ी संख्या उस पर्वत शिखर पर बैठी हुई है। गरुड़ ने ध्यान लगा करके सुनने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो देखा कि वहां एक सभा हो रही है। गरुड़ मन में विचार करने लगे, क्यों ना इस पक्षियों की सभा को जाकर के देखा जाए। पक्षियों के राजा थे, इस वजह से उस सभा में अपना जाना उचित समझा। और गरुड़ ने एक वृद्ध गिद्ध का रूप धारण किया, अपना शरीर बदल लिया, क्योंकि वो भगवान के वाहन थे तो सभी प्रकार की विद्याएं उन पर आती थी। गरुड़ ने अपना शरीर बदला और एक वृद्ध गिद्ध बन गए और वृद्ध गिद्ध का रूप धारण करके उस सभा में आकर के बैठ गए। सभी पक्षियों से कहने लगे कि हे पक्षियों, आखिरकार तुम में किस बात को लेकर के ये बहस चल रही है, मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी उस बहस का समाधान करने की प्रयास करूंगा। देखिए श्रोताओं, सभी पक्षीगण कहने लगे कि हे वृद्ध गिद्ध, तुम्हें क्या बताएं, हमारी ये धर्म सभा चल रही थी और इस सभा में अद्भुत प्रश्न आए कि मौत में और दान में कौन बड़ा है, मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है, वो कौन से कर्म होते हैं जिनके प्रभाव से मौत भी डर जाती है। ये बात सुनकर के बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि हे पक्षियों, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें वो सभी उपाय बताता हूं जिनसे मौत को पीछे हटाया जा सकता है और मृत्यु को टाला जा सकता है, और दान में और मौत में कौन बड़ा है, ध्यान लगा करके सुनो। तो वह बूढ़ा गिद्ध एक उच्च पर्वत शिखर पर बैठ करके, जो उनका आसन बना हुआ था, जो व्यास का आसन होता है, वक्ता का आसन होता है, उस पर विराजमान हो जाता है और उन पक्षियों से कहने लगा कि हे पक्षियों, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय की बात है कि एक प्रसिद्ध काशी नामक नगरी थी,
जो कि आर्यावर्त में भारत खंड के प्रसिद्ध भगवान शंकर के लिए जानी जाती थी, देवनगरी के रूप में पूजित थी भारतवर्ष में। और उस पावन नगरी में एक कुंभलाक्ष नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा का नाम था कुंभलाक्ष और राजा की पत्नी कुशला बड़ी ही कुशल, चतुर और धर्मात्मा थी। महाराज कुंभलाक्ष भी बड़े धर्मात्मा, ईश्वर भक्त और भगवान शिव के परम आराधक थे। भगवान शिव की आराधना करना, मंदिर में जाना उनका नित्य का काम था। वो अपने दिन का आरंभ ही भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पाठ पूजा से आरंभ करते थे। हे पक्षियों, ध्यान से सुनने की बात है, राजा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। राजा के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, संपूर्ण जनता सुख और वैभव प्राप्त थी। संपूर्ण नगर अपने चरम उत्कर्ष पर था। महाराज कुंभलाक्ष धर्म का शासन कर रहे हैं और उनके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। संपूर्ण राज्य वैभव की चरम सीमा पर है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं। एक घाट पर गाय और सिंह पानी पी रहे हैं। इस तरीके से राजा कुंभलाक्ष धर्म पूर्वक राज्य का संचालन कर रहे थे। हे पक्षियों, वो बूढ़ा गिद्ध कह रहा है कि हे पक्षियों, धीरे धीरे समय निकला परंतु राजा के यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल गई लेकिन उनके घर में अभी कोई भी बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि महाराज काशी नगरी की एक प्रसिद्ध गली से निकल के जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू लगाने वाली, झाड़ू हाथ में था, उसे लेकर के झाड़ू लगा रही थी। सामने से महाराज को आता हुआ देखा। दोनों पति पत्नी थे, झाड़ू लगाने वाला और झाड़ू लगाने वाली, दोनों ने सामने से महाराज को आते हुए देखा। महाराज को देख करके दोनों हरिजन और उनकी पत्नी ने मुंह फेर लिया और महाराज को यह अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने जा रहे थे इसलिए उन दोनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को भेजा कि तुम जाओ और उस हरिजन को बुला करके लाओ, उससे मुझे कुछ बातें करनी है। देखिए श्रोताओं, वह सैनिक उस हरिजन के घर पहुंचा जिसने महाराज को देख करके मुंह फेर लिया था। उससे कहा कि तुम्हें राजा ने बुलवाया है। हरिजन मन में विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाल नहीं सकता, इसलिए चलना पड़ेगा, लेकिन निपुत्री राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा, बड़ा अपशकुन होगा मेरा, परंतु महाराज का आदेश मैं कैसे टालूं। यह सोच करके वह हरिजन उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देता है। महाराज के दरबार में वह हरिजन जाकर के खड़ा हो जाता है। दंडवत प्रणाम करने के बाद महाराज कहने लगे कि आज प्रातः काल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो इस हरिजन ने मुझे देख करके अपना मुंह फेर लिया। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे देख करके मुंह फेरने का कारण क्या था। तो वो हरिजन भी बड़ा निर्भीक था, कहने लगा हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें, कोई ऐतराज नहीं है मुझे इस बात से, परंतु मैं सत्य कहूंगा, आप जैसे महाराज वेद पुराणों में वर्णित हैं और आपके यहां तो परम विद्वान और श्रेष्ठ ऋषिगण राजपुरोहित विराजमान हैं, इन्हें आप पूछ लीजिए कि जिस देश का राजा निपुत्री हो
और वह राजा प्रातःकाल भ्रमण के लिए चला जाए और उसका कोई मुंह देख ले, संतान विहीन राजा का, तो उस मुंह देखने वाले का पूरा दिन शुभ नहीं होगा, पूरा दिन खराब जाएगा। इसलिए हे राजन, मैंने जब आपको आते हुए देखा तो विचार किया कि निपुत्री राजा है लेकिन धर्मात्मा है, इसलिए मैंने आपको देख करके मुंह फेर लिया। राजा इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए, मन में विचार करने लगे कि ये हरिजन बिल्कुल सही कह रहा है, यदि किसी देश का राजा निपुत्री हो तो वास्तव में गलत है, उसकी गद्दी ही राजा के बिना सुनी जाएगी। श्रोताओं, राजा ने उस हरिजन को तो भेज दिया और मन में विचार करने लगा कि अब मुझे भगवान शिव के यहां जाकर के एक पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। हे श्रोताओं, ऐसा विचार करके राजा कुंभलाक्ष अपने महलों को आए और महारानी कुशला से कहने लगे कि हे महारानी, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है क्योंकि हम निसंतान हैं। रानी कहने लगी, महाराज तो फिर क्या हुआ, निसंतान तो बहुत लोग होते हैं कि नहीं? रानी, साधारण जन का होना अलग बात है, हालांकि प्रातःकाल उनका मुंह देखना भी अशुभ माना जाता है, परंतु हम राजा हैं और संतान विहीन हैं, हमारे कोई पुत्री है ना कोई पुत्र है, चलो भगवान शिव के यहां चलते हैं मंदिर में और भगवान विश्वनाथ से ये आराधना करेंगे कि हमें एक पुत्र प्रदान करें। रानी कुशला और महाराज कुंभलाक्ष अपने राज पुरोहितों के साथ भगवान शिव के मंदिर में आ जाते हैं। भगवान शिव के मंदिर में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है परंतु कोई परिणाम नहीं निकला, पुत्रेष्टि यज्ञ भी राजा का निष्फल चला गया। जो यज्ञ करने वाला होता था वो अचंभित था कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ किए कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया, परंतु दैव योग समझ करके होता कहने लगा कि महाराज, आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है, इसलिए ये पुत्रेष्टि यज्ञ भी निष्फल हो गया। वो बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे पक्षियों, परंतु राजा धर्मात्मा था, धैर्य को धारण करने वाला था, विचलित नहीं हुआ और कहने लगा कि अब मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा, तुम जाओ राज्य का संचालन करो। तो राजा भगवान शिव के मंदिर में आराधना करने के लिए बैठ जाते हैं। धीरे धीरे 6 माह का समय राजा को तपस्या करते हुए बीत गया। भगवान शिव विचार करने लगे कि अब तो मुझे इनके पास जाना होगा, क्योंकि इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और पुनः अब मेरी आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव प्रकट हुए और कहने लगे, हे भक्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? तो हे पक्षियों, राजा कुंभलाक्ष बोले, हे महाराज, हे भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान कर दें। भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 3 जन्म तक संतान नहीं थी, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूं, परंतु राजन सावधान, उसकी आयु मात्र 18 वर्ष रहेगी। राजा बोले, हे प्रभु, मेरा निसंतान निपुत्री नाम तो मिट जाएगा, जैसी आपकी इच्छा, यदि 18 साल ही है तो 18 ही सही, परंतु हे भगवान, मुझे आप पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने अपने आयुष्मक नामक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ 18 साल के लिए इस राजा के यहां पुत्र के रूप में जन्म लो। श्रोताओ, राजा मंदिर में से भगवान शिव का वरदान लेने के बाद वापस आ जाते हैं और वह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी कुशला को सुनाई
कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दे दिया, मेरे पुत्र अवश्य पैदा हो जाएगा। हे श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महारानी कुशला गर्भवती रह जाती है। जब नौ माह का समय व्यतीत हुआ तो उनके गर्भ से भगवान शिव के गण थे बड़े प्रभावशाली, चमत्कारी और तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहां पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर सजाया गया, संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं, आतिशबाजियां की गई और भगवान शिव की आराधना की गई। हे श्रोताओं, ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम हर्षध्वज रख दिया। जब उसका नामकरण संस्कार कराया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया तो उसका नाम रखा हंसध्वज। हंसध्वज भी अपने पिता कुम्भलाक्ष के तरीके से बड़े धर्मात्मा, ईश्वर भक्त और धर्मपरायण थे। धीरे धीरे समय निकला, भगवान शिव के वरदान स्वरूप उत्पन्न हुए पुत्र हंसध्वज बहुत जल्दी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे और समय निकल गया। अब तो राजा का समय बड़ा खुशी में व्यतीत हो रहा था, क्योंकि उसके यहां अब पुत्र ने जन्म ले लिया था। राजा कुम्भलाक्ष तो बड़ा खुशी है और उसको भी भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष है। हे श्रोताओं, जब उस पुत्र की आयु 12 वर्ष की हुई तो वह पुत्र जवान हो गया। राजा उस पुत्र को देख करके बड़ा प्रसन्न होता, सोचने लगा कि ये मेरे राज्य का वारिस तो हो गया, मेरी आयु धीरे धीरे ढल रही है। हे श्रोताओं, और धीरे धीरे समय निकला तो एक प्रसिद्ध नगरी थी उस समय, सूरसेन नगरी के नाम से जानी जाती थी, मथुरा नगरी। सूरसेन जनपद में उस प्राचीन काल में जनपदों में बटा हुआ था आर्यावर्त, और वहां के महाराज ने एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था बर्णेश्वरी। उस राजा दृष्टकेतु के यहां एक धर्मवती नामक कन्या पैदा हुई। वो कन्या बड़ा दान धर्म किया करती थी। प्रातः काल पक्षियों को दाना चुगाना, सदा व्रत बांटना और जो भिक्षुक होते थे उनको भोजन प्रदान करना, यह उसका कर्म था। वह कन्या भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज दृष्टकेतु ने राजा कुम्भलाक्ष के पुत्र हंसध्वज के बारे में सुना कि महाराज कुम्भलाक्ष के यहां एक बड़ा धर्मात्मा पुत्र और तेजस्वी पुत्र है और वह मेरी कन्या का वरण करेगा। ऐसा विचार करके विवाह का प्रस्ताव राजा दृष्टकेतु ने महाराज कुम्भलाक्ष के पास भिजवाया। महाराज कुम्भलाक्ष मन में विचार करने लगे कि मेरे पुत्र की आयु 18 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहां कोई पुत्र पैदा हो जाएगा और मेरा ये वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच करके महाराज कुम्भलाक्ष ने अपने पुत्र का विवाह राजा दृष्टकेतु की पुत्री धर्मवती से कर दिया। धर्मवती का विवाह हो जाता है। हे श्रोताओ, धर्मवती धर्मपरायणा थी। उसका नियम था कि वो भोजन जब करती थी, जब कोई भी भूखा प्राणी उसे दिखाई ना दे, सबको भोजन कराने के बाद पहले वो दान दिया करती थी। हे श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल रहा है और राजा कुम्भलाक्ष के पुत्र हंसध्वज की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने को आ गई और महाराज को ही इसके बारे में पता था, क्योंकि भगवान शिव ने राजा कुम्भलाक्ष को ही बताया था।
और राजा कुंभलाक्ष ने वो बात किसी को नहीं बताई। मन में विचार कर रहा है राजा कुंभलाक्ष, अपना जो लेख था, टाइम का निर्धारण था, उसको देखा और देख करके विचार करने लगा कि मेरे पुत्र की आयु महज 3 वर्ष शेष रह गई है, महज 3 दिन शेष रह गई है, अब मैं क्या करूं। राजा ये सोचता है कि मेरा पुत्र 3 दिन बाद काल के गाल में चला जाएगा। हे श्रोताओं, राजा कुंभलाक्ष पुत्र मोह के कारण भगवान शिव के वरदान को भी भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से बीमार डल जाता है। राजा चिंता मग्न हो गया, भोजन करना बंद कर दिया। श्रोताओं, धीरे धीरे और 1-2 दिन का समय निकल गया और जब राजा के पुत्र हंसध्वज की मृत्यु का समय आया, वही दिन आ गया, तो राजा ने भोजन करना भी बंद कर दिया। राजा कुंभलाक्ष मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, आज मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। श्रोताओं, उधर जो नव विवाहिता पत्नी थी धर्मवती, वो अपने धर्म पर अड़िग थी। उसका काम था प्रतिदिन भूखों को दान देना, वो भूखों को भोजन कराती थी। अब सुनिए ध्यान से, उधर यमराज का दरबार लग रहा था और चित्रगुप्त ने फाइल ले जा करके यमराज के सामने डाल दी कि महाराज, राजा कुंभलाक्ष के पुत्र धर्मध्वज का समय आ गया, देखिए राजन। यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और उन दूतों से कहा कि तुम जाओ और अब से ठीक 1.5 घड़ी बाद हंसध्वज के प्राण तुम्हें निकालने हैं, परंतु प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, तुम्हें इसके लिए एक सर्प का रूप धारण करना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए एक सर्प के पास जाना पड़ेगा, वो नाग है, बिसियर है काला, उसको प्रेरित करना होगा और वह हंसध्वज को खाएगा और तब उसकी मृत्यु होगी। चले जाओ, शीघ्रता करो, सृष्टि के विधान के अनुसार तुम्हें 1.5 घड़ी के अंदर में ही उसके प्राणों को लेकर के आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत हंसध्वज के प्राणों को लेने के लिए चल देते हैं और उधर यमराज की माया से प्रेरित एक नाग मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए। राजमहल को देखता हूं, वो घूमता घूमता चला आ रहा है और रात्रि के समय राजमहल में प्रवेश कर गया। देखिए श्रोताओं, वो भी यमराज से प्रेरित था, मन में विचार करने लगा, जहां राजकुमार का पलंग था, जिस पर राजकुमार सोता था, और उस पलंग पर जाकर के बिस्तरों में छिप करके बैठ जाता है और सोच रहा है कि कब हंसध्वज यहां आए और मैं उसे डसूं, क्योंकि वो तो यमराज से प्रेरित था। यमराज के दोनों दूत आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए और सोच रहे हैं कि 1.5 घड़ी का समय कब होगा, कब ये नाग उस हंसध्वज को डसेगा और कब मैं उसके प्राणों को लेकर के यमपुरी जाऊंगा, ऐसा यम के दूत विचार कर रहे हैं। देखिए श्रोता, उधर क्या होता है कि किसी दूसरे एक गांव में, कहानी बहुत अच्छी है, रोचक है, एक गरीब दंपत्ति रहा करते थे और उनके यहां एक कन्या पैदा हुई, एक पुत्री थी, केवल एक पुत्री पैदा हो गई और उस पुत्री का विवाह उन्होंने संपन्न कर दिया, परंतु उस पुत्री का पति था वो श्रापी था, दारू पीता था, मद्यपान करना, वैश्यागमन करना उसका कर्म था, इसलिए वह उस गरीब दंपत्ति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता था, पीटता था, घर से निष्कासित करता था।
देखिए श्रोताओं, परंतु वह लड़की गरीब दंपत्ति की पुत्री वहां कुछ समय तक रही और उसके एक गर्भ रह जाता है। जब गर्भ रह गया तो वह मारपीट से तंग आकर के अपने पिता के यहां आ जाती है और उसका पिता तो वृद्ध हो गया था, इसलिए उस पर कुछ कमाई तो होती नहीं थी, तो वो बेचारा भिक्षाटन करता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट पालन करता था, एक स्वयं वृद्ध और उसकी पत्नी और एक उसकी गर्भवती पुत्री। वह भी देखिए बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि उस पुत्री को एक पुत्र हो जाता है, उसके भी 9 माह का समय पूर्ण हो जाता है और जब 9 माह का समय पूर्ण हुआ तो उसको भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब प्रसव काल की भूख होती है वो बहुत तेज होती है। वह बेचारा गरीब वृद्ध अड़ोस पड़ोस के गांव में जाता, लेकिन तुम जानते हैं कि जो रोज रोज भिखारी आता है उसको लोग भीख भी नहीं देते। गरीबी सबसे बुरी होती है, कहते हैं पत्थर से भी भारी होती है, सबसे बड़ा दुख होता है जो गरीबी का होता है। उस गरीब को कोई भी खाने को 4 दाने अन्न के भी नहीं देता था, और उधर उस लड़की की जो पुत्री थी उसकी उसकी प्रसव की भूख उसे परेशान कर रही थी। तो वो लड़की अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं भूखी मरी जा रही हूं, यदि तुम्हें कुछ भीख में नहीं मिला, क्योंकि 3 दिन भोजन करे हो गए, तो मैं मेरे इस बच्चे को खा जाती हूं। तो वो वृद्ध कहने लगा, बेटी तू इस लड़के को मत खाई, मैं आज कोशिश करता हूं और काशीपुरी में जाऊंगा, महाराज के यहां जाता हूं, प्रयास करूंगा, यदि कुछ खाने को मिला तो तुझे अवश्य लेकर के आऊंगा। ऐसा विचार करके वो वृद्ध भी चल देता है और वह वृद्ध जहां वो रानी थी धर्मवती हंस ध्वज की पत्नी, वो भोजन वितरित कर रही थी। उस दिन महाराज कुंभलक्ष बीमार थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण वो शैया पर पड़े हुए थे, इसलिए धर्मवती ने कोई सदावर्त नहीं वितरित किया, परंतु अपने पति के लिए भोजन बना लिया था। 36 प्रकार के व्यंजनों से सुसज्जित भोजन बना करके रखा हुआ था और तभी वह वृद्ध आ जाता है और ऊपर से महारानी धर्मवती जो राजा धर्मध्वज की, जो राजा हंसध्वज की पत्नी थी, जो राजा कुंभलक्ष के पुत्र हंसध्वज की पत्नी थी, उसको वो वृद्ध दिखाई देता है और उस वृद्ध को देख करके उसे दया आ गई। वृद्ध ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा कि बहन, कुछ भोजन में मिल जाए तो तुम्हारा भला होगा। उसने देखा रानी ने कि ये कोई गरीब है और मैं इसे भोजन प्रदान करती हूं, मेरे पति तो अभी आए नहीं है, अपने पिता की देखरेख कर रहे हैं, मैं इस भोजन को इन्हें प्रदान कर देती हूं। और जो हंसध्वज के लिए भोजन बना के रखा हुआ था 3600 प्रकार के व्यंजन, उससे सुसज्जित वो भोजन की थाली धर्मवती ने उस वृद्ध को दे दी। वो वृद्ध भोजन को लेकर के चला श्रोताओं, और वो वृद्ध भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, बड़ी शीघ्रता से चलता है क्योंकि उसकी पुत्री भूखी थी 3 दिन से। और उधर देखिए क्या होता है, जो राजा का पुत्र था हंसध्वज, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उसको वैद्य को दिखाने के बाद, मन में विचार करने लगा कि मैं पहले भोजन करने चलता हूं। वो भोजन करने के लिए महाराज के कक्ष से अपने कक्ष की तरफ जा रहा है। दरवाजे पर 2 यमदूत तैयार खड़े हुए हैं और वो नाग डसने के लिए हंसध्वज को तैयार बैठा हुआ है बिस्तरों में। देखिए श्रोता, क्या बड़ा अद्भुत और रोमांचकारी दृश्य पैदा हो गया।
और उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दिया। अब राजकुमार हंसध्वज चला आ रहा है और उसने जैसे ही महल की सीढ़ियों पर पैर रखा तो सामने से एक दासी की छींक हुई। समय जब अच्छा होता है तो छींक होती है, आप ये ध्यान रखें। किसी अशुभ को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र होता है कि आपको समय के लिए ठहर जाएं। और उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला है। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे हैं कि डेढ़ घड़ी का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ पल ही शेष बचे हैं। उधर सर्प भी क्रोधित होकर के बैठा हुआ है कि कब आए हंसध्वज और मैं कब उसे डसूं। श्रोताओ, अब उस लड़की को ले जाकर के वृद्ध भिखारी ने वह भोजन सौंप दिया और जब उस लड़की ने प्रसव की भूख थी उस भोजन को खाया तो पूछने लगी, पिताजी ये भोजन किसने दिया है? कि बेटी, महारानी धर्मवती ने प्रदान किया है, यहां के राजा की पुत्र वधु ने प्रदान किया है, मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे भोजन दे दिया। तो उस लड़की की आत्माएं आशीर्वाद देती हैं कि हे भगवान शिव, उसका सुहाग अमर हो जाए, हे भगवान शिव, उसका सुहाग अमर हो जाए। जैसे वो ग्रास खाती है उसी तरीके से जैसे ग्रास अंदर जाता है ग्रास के साथ आशीर्वाद बाहर निकलता है कि हे भगवान शिव, उसका पति अमर हो जाए, उसका सुहाग अमर हो जाए। और जब ये आशीर्वाद भगवान शिव के पास पहुंचा, महाकाल के पास पहुंचा, तो भगवान शिव का सिंहासन हिल गया कि ये क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, कैलाश पर्वत कंपायमान हो गया। मन में विचार करने लगे कि ये क्या घटित होने वाला है। देव ऋषि नारद को बुलाया, पक्षीराज गरुड़ ये कथा सुना रहे हैं, देव ऋषि नारद को बुलाया और नारद से कहा कि नारद देख करके आओ तीनों लोकों में क्या घटित हो रहा है। नारद एक पल में तीनों लोकों की सूचना ले जाने में सक्षम थे। देखा नारद ने तो समझ में आ गया, जाकर के भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, एक विचित्र दृश्य पैदा हो रहा है। कि क्या हुआ नारद? कि राजा कुंभलाक्ष के पुत्र हंसध्वज की मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। यम के दोनों दूत दरवाजे पर खड़े हुए हैं और उनके बिस्तर पर विषयर नाग बैठा हुआ है और हंसध्वज सीढ़ियां चढ़कर के ऊपर जा रहे हैं, महज चार पांच सीढ़ी दूर है और अपने पलंग पर जाकर के बैठेंगे। और महाराज, हे भगवान शिव, एक वृद्ध की पुत्री के लिए भोजन दिया राजा हंसध्वज की पत्नी ने, धर्मवती ने, और वो आशीर्वाद दे रही है, उसकी आत्मा आशीर्वाद दे रही है कि उसका पति अमर हो जाए जिसने मुझे भोजन दिया है, उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, क्या विचित्र विड़म्बना है, धर्म और मौत में ठन गई, दान की शक्ति और मौत में ठन गई, हे भगवान क्या होगा इसमें। भगवान से बोले कि हे नारद, यह प्रकृति का विधान है, देखते रहिए, होगा जो अच्छा होगा, कभी प्रकृति बुरा नहीं करती, आप देखिए। भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो जाते हैं और उधर हंसध्वज उन सीढ़ियों को चढ़कर के अपने पलंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए होनी का संयोग, धर्मध्वज उस पलंग पर जाकर के बैठते हैं परंतु दूसरे सिरे पर सर्प शिथिल हो गया, सर्प में चलने की ताकत नहीं रही। सर्प विचार करने लगा कि मैं कैसे डसूं इसको, मुझ पर तो चला नहीं जा रहा है, क्योंकि दान की शक्ति आकर के खड़ी हो गई बीच में। दान की शक्ति कहते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम गति। एक भूखी जो प्रसव पीड़ा से भूख लगी हुई थी, प्रसव की भूख थी, उसका आशीर्वाद था। यदि श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है।
उसका आशीर्वाद आकर के खड़ा हो गया मध्य में, और उस धर्मवती का दान आकर के खड़ा हो गया, और यम के दूत खड़े हो गए। देखिए क्या विचित्र दृश्य पैदा हो गया। यम के दूत धर्म की शक्ति से कहने लगे, दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहां से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर के जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा कि कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर लें। दोनों में कुछ बहस आरंभ हुई, तो उनमें युद्ध हुआ और दान की शक्ति ने उन यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस यमलोक को गए, जाकर के यमराज से कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के नियम में परिवर्तन हो जाएगा। यमराज बोले, क्यों, क्या तुम हंस ध्वज के प्राण लेकर के नहीं आए? कि नहीं महाराज, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं खड़ी हुई हैं, दो शक्तियां अड़िग हैं। यमराज बोले, कौन है? कि एक दान की शक्ति खड़ी हुई है और एक आशीर्वाद खड़ा हुआ है एक भूखी स्त्री का, जिसकी आत्माएं उसे भूख से तोड़ तोड़ करके खा रही थी। यमराज ने देखा तो कहने लगे, ठीक है, तुम बूढ़े हो गए जीवों को लाते लाते, मैं जा रहा हूं, मैं देखूंगा कैसी शक्ति है। स्वयं यमराज प्राण लेने के लिए चल देते हैं। श्रोताओं, क्या विचित्र दृश्य है। उधर भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा, यमराज इनसे जीत नहीं पाएगा, यमराज को हारना पड़ेगा, और यदि यमराज ऐसे हारे तो यह भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। देखिए श्रोताओं, यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वही भगवान शिव प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान शिव को देखा तो भगवान शिव को देख करके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, यमराज तुम नहीं जानते, तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु मुझे यह बताएं, क्या श्राप नहीं लगते? श्राप तो मुझे श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़ते हैं, क्या तुमने श्राप के कारण मृत्यु लोक में विदुर के रूप में अवतार धारण नहीं किया? बताओ क्यों अवतार धारण किया? यमराज कहने लगे कि भगवान, वो तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था, वो मुझसे प्रबल था। तो भगवान से बोले, जब तुम श्राप का मान रखना चाहते हो तो ठीक उसी प्रकार से किसी आत्मा ने आशीर्वाद दिया है, उसे आप कैसे निष्फल कर दोगे? करो यदि तुम में शक्ति है तो। यमराज भगवान शिव से बोले, प्रभु अब इसका उपाय आप ही कीजिए। तो भगवान शिव बोले, आप इसकी आयु 100 वर्ष की कर दीजिए और 100 वर्ष बाद इसको ले जा सकते हो। अब ये उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और दान के कारण मृत्यु के योग्य नहीं रहा, इसने मृत्यु को जीत लिया। देखिए श्रोताओं, भगवान शिव के कहने पर यमराज ने प्रकृति के विधान में परिवर्तन किया और उसकी आयु को बढ़ा करके 100 वर्ष कर दिया। तो इस तरीके से यमराज वापस लौट गए और जो सर्प था वो मन में विचार करके कि मैं इसे नहीं डसूंगा, ये धर्मात्मा है, ये तो बड़ा धार्मिक राजा का पुत्र है, सोच करके वापस लौट जाता है। और इस तरीके से हंस ध्वज की आयु 100 वर्ष की हो गई। हे पक्षियों, यदि हम दान की और मृत्यु की तुलना करें तो पात्र व्यक्ति को, व्यक्ति जिसको आप दान दे रहे हैं वो पात्र होना चाहिए, उस दान के योग्य होना चाहिए। यदि तुम योग्य व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो वो दान बड़ा है, मृत्यु उसके सामने हार जाएगी, और मृत्यु को टाला जा सकता है आशीर्वाद से। यदि आप किसी का आशीर्वाद लें तो वो आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। आशीर्वाद की शक्ति बड़ी प्रबल होती है, उस शक्ति से बड़ा संकट टल जाता है। और इस तरीके से यमराज हार करके लौट गया। हे पक्षियों, ध्यान से सुनो,
मौत से दान की शक्ति सदैव बड़ी है। ऐसे कई उदाहरण इस सृष्टि में देखने को मिलेंगे जिन्होंने यमराज को हरा दिया। यमराज को वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। तो हे श्रोताओ, इस तरीके से पक्षीराज गरुड़ ने उन पक्षियों का संदेह मिटाया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और जो नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की कंटेंट इस चैनल पर डालता रहता हूं। अब आपसे लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।